हेलो बच्चों, नरेंद्र है। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईसीएससी बोर्ड का सेक्शन 1। मैं 3 सेक्शन में आईसीएससी बोर्ड के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, जैसा मैंने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया है, जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों का भी बेनिफिट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं जितने भी आईसीएससी बोर्ड के बच्चे होंगे, अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा, इसी क्वेश्चन को बनाना कैसे है और हमें 80 से 80 मार्क्स लाने कैसे हैं। तो बॉम्बे स्कॉटिश बॉम्बे का पेपर है प्रीमली असेसमेंट का, और आईसीएससी 16/1/2023 को ये पेपर हुआ है। आज हम उसका पहला सेक्शन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कह रहा है कि इफ अ पॉलीनोमियल 3x² - 5x + p व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 लीव्स द रिमाइंडर 3। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉलीनोमियल है, ये पॉलीनोमियल है, कह रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, जब भी हम इसको x - 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या छोड़ता है, कह रहा है कि लीफ देता है, यानी कितना रिमाइंडर बचता है हमारे पास, 3 रिमाइंडर बचता है। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन मिले तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का जो बेसिक ट्रिक होता है, तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं, एक पॉलीनोमियल को पी ऑफ एक्स ले लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 3x² - 5x + p। सॉरी, हमें इस p की वैल्यू निकालनी है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं लेट, एक दूसरे वाले को ले लेते हैं कि g of x कितना है, x - 2। सपोज कर लेते हैं जब हमारे पास रिमाइंडर दे रहा है, तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास ये फैक्टर होगा, तो इसको क्या कर लो, इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो x - 2, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास जब भी हम लोग, अगर मैं यहां पर क्या करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम अगर x = 2 रखेंगे इस पॉलीनोमियल पे, तो हमें क्या मिलेगा, व्हेन x = 2, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, x = 2, तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर मिलेगा हमें 3। ऐसा ही क्वेश्चन बोल रहा है, जिसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या है हमारे पास, 3x के प्लेस में 2² - 5 × (2n + p) = 3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 4 - 10 n + p = 3, ये हो जाएगा 12 - 10 + p = 3, क्या पर आ जाएगा 2, तो 2 + p = 3, देन p = 3 - 2 = 1। यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें देखा कि हमारे पास p की वैल्यू क्या आई है, 1। और हम लोग ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि c = 1, तो यही हमारा क्या है, राइट ऑप्शन। तो पहले क्वेश्चन का इस तरीके से हम लोग आंसर बनाएंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं हम लोग। We have the question number second. If x and matrices 2 and 3 + y and matrices -1, 0 = 10 and 6. क्वेश्चन में बोल रहा है then find the value of x and y. तो हमें क्वेश्चन पे निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन, वी हैव ऑप्शन x = 2 एंड
y is equal to minus 6 and b x is equal to 2 and y is equal to 6 and option c x is equal to 3 and y is equal to minus 4 and d x is equal to 2 and y is equal to minus 6. तो हमारे पास मैट्राइसिस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो दो तरीके हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन को समझने के लिए दो तरीके हैं, या तो मेन पर वैल्यू रख दे और उसको सेटिस्फाई करके देख ले, दूसरा टाइम ना वेस्ट करके उसका आंसर बना ले। सॉरी, तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं डायरेक्ट, तो जाएगा 2x एंड 3y प्लस यूज आएगा माइनस वाई एंड जीरो इज इक्वल टू 10 एंड 6। इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई एंड 3y प्लस जीरो इज इक्वल टू 10 एंड 6। देखो पहले रो का हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे पहले वाले रो के साथ में, दूसरे रो का कंपैरिजन दूसरे वाले रो के साथ में, सॉरी ये वैल्यू 6 है तो यहां पर हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1 एंड 3y इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 2, और जैसे y की वैल्यू हम 2 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 देन 2x इज इक्वल टू 12 एंड x विल बी 6। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 6, सॉरी मैंने यहां पर गलत कर दिया है, इसको मैं फिर से बना देता हूं, मैंने यहां पर देखा नहीं पर क्वेश्चन ही गलत हो गया है। यहाँ पर है 2x प्लस 3x, मैंने यहाँ पर गलती से y लिख दिया था, देखो एक छोटी सी गलती होती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हम लोग इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर x लिखा था इसलिए x मल्टीप्लाइड हुआ 2x हुआ और ये 3x हुआ प्लस यहाँ पर हुआ माइनस y एंड 0 इज इक्वल टू 10 एंड 6। तो हो जाएगा 2x माइनस y एंड 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 एंड 6। हम लोग पहले वाले रो का कंपैरिजन पहले वाले रो के साथ में करेंगे तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1 सेम एंड 3x इज इक्वल टू 6 तो x इज इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई है तो इक्वेशन हम लोग 1 में पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 तो 4 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन में देखते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू माइनस 6, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड, हमारे पास क्वेश्चन है पूछा है थर्ड वाला कि द परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी ऑफ अ टोटल जीएसटी फॉर एन इंफ्रा स्टेट सेल ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो जो जीएसटी लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो कितना लिया जाता है, 18% जीएसटी चार्ज किया जाता है, जिसमें से एसजीएसटी कितना लगता है अपने को 9%। तो हमें कह रहा है कि टोटल में इंफ्रा स्टेट में, तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो 9 / 18 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 9 / कितना हो जाएगा 2 और 2 / हो जाएगा 50, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 50%। तो 50% हमारा ऑप्शन है बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है इफ द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स the length of its shadow क्वेश्चन पूछा है कि इफ द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, यानी कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन पे ये बोला है कि अगर मान लो हमारे पास
कोई एक ऐसा ट्री है और ये इसका क्या है बेस है जहां पर ये ग्राउंड पे है, तो यहां पर कहीं हमारा सन होगा। तो अगर सन से एक रेज आएगी ऐसा कुछ इस तरीके से, ऐसा एक रेज आएगी, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास इफ द हाइट ऑफ अ ट्री, तो अगर मान लेते हैं कि ए बी हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, और इसकी हाइट क्या है एच है, ठीक है ना। तो कह रहा है अपने लेंथ की, इफ द हाइट ऑफ अ ट्री रूट थ्री टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, तो जो ये वाली चीज होती है यहां पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अपना हमारे पास शैडो होगा, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे शैडो, शैडो को ले लेते हैं एक्स। तो क्वेश्चन पे ये गिवन है कि जो हमारी हाइट है वो क्या है, क्वेश्चन पे ये बोल रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि s इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ x अपने साइडों के x टाइम। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से कहीं हमसे क्या पूछा एलिवेशन, तो एलिवेशन हमेशा कहां से बनाता है इधर की तरफ से, इसको थीटा ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इफ tan थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है अपने पास h डिवाइडेड बाय x, तो क्वेश्चन में ये दिया है गिवन है कि tan थीटा और h की वैल्यू दिया है रूट का 3x डिवाइडेड बाय x, तो क्वेश्चन में वो क्या जाएगा, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। और हमें पता है एक चीज, अगर हमारे पास tan थीटा है तो tan 60 डिग्री के लिए क्या होता है रूट 3 वैल्यू होती है, तो थीटा विल बी 60 डिग्री, यानी कि हमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा 60 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ए 0, -4 इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन, पहला ऑप्शन दिया है बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, दूसरा पॉइंट दिया है ओरिजिन एंड थर्ड पॉइंट दिया है वाई एक्सिस एंड डी वाला पॉइंट दिया है एक्स एक्सिस। तो आप पहले इसका मीनिंग समझते हैं, पहले मार्किंग कर लेते हैं 1, 2, 3 and 4। तो हमारे पास क्या दिया है 0, -4, तो 1, 2, 3 and 4, 4 तो हमारा ऊपर वाला दिया 1, 2, 3 and -4।
तो हमारे पास पॉइंट दिया है ए वाला, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है ए, और इस ए की वैल्यू कह रहा है कि 0, -4, ये दिया हुआ है। और इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट हमें जो अनअल्टर्ड रहे, क्या रहे, अनअल्टर्ड, यानी कि नो चेंजेस, कहीं पर चेंज ना आए। इसको हम लोग करके देखते हैं, तो अगर रिफ्लेक्शन करेंगे इस पॉइंट का तो हमें कहाँ रिफ्लेक्शन मिलेगा ये देखते हैं हम लोग। तो 0, -4 है, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग करूंगा तो हमें कहाँ मिलेगा, इसका हमारे पास पॉइंट मिल जाएगा 0, 4 मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हम लोग ओरिजिन से करते तो ओरिजिन हमारा है ही नहीं, यहीं पर इधर उधर पॉइंट जाता, ठीक है ना। y एक्सिस, देखो y एक्सिस का यहाँ पर कहीं हम लोग रिफ्लेक्शन कर नहीं सकते इस पॉइंट का, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, y एक्सिस होना चाहिए। तो x एक्सिस हो नहीं सकता, ओरिजिन भी हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा है, y एक्सिस है, और बोथ एक्सिस भी हो नहीं सकता, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास क्या, y एक्सिस, इनवेरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी आई कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी किसी भी हैपनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.007, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हैपनिंग, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन, इज ऑप्शन है हमारे पास, वी हैव ऑप्शंस 0.93093 एंड बी 0.95 and point C 0.89 and point D 0.09। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें पता है कि किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हैपनिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। तो अगर किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी क्या दिया है हमारे पास, 0.07%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें चाहिए तो 1.00, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी 1.00 - 0.07, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, तो 0.93 हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा,
ए हमारा राइट ऑप्शन है कि ना होने की प्रोबेबिलिटी ये मिलेगी। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7th में एट्थ में चलता हूँ, स्किप करके। 6 हो गया मेरा, 7th स्किप कर रहा हूँ, मैं 8th में चलता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ दिस सीरीज, यानी कि सीरीज का हमें एन टर्म्स निकालना है। ए है, 3a है, 5a एंड सो ऑन। ऑप्शन है हमारे पास, वी हैव ऑप्शंस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड सेकेंड वन n स्क्वायर a एंड c वन 2n माइनस 1 a n डिवाइडेड बाय 2 एंड लास्ट ऑप्शन n इनटू a। ये हमारा क्वेश्चन है। तो किसी भी सीरीज का हमें सम निकालना है। इस क्वेश्चन में जैसे कि हमारे पास सिंपल है कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म की बात करो, ए की वैल्यू तो ए ही गिवन है और डी की वैल्यू क्या गिवन है, 3a माइनस का a इज इक्वल टू 2a, ये हमारे पास डी की वैल्यू है। तो इस सीरीज में हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, मींस हमें Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो फार्मूला होता है n / 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, 2a हमारा a ही है, n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 2a। देखो हम 2 का कॉमन ले सकते हैं, तो 2n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस n माइनस 1 एंड a। हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, n a प्लस n a माइनस a, तो हमारा a से a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास n स्क्वायर a। तो Sn टर्म की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो हमारा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है b वाला, तो b इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2 इक्वल रूट्स एंड सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास नो रियल रूट्स। एंड सी हमारे पास है 1 रियल रूट। एंड डी हमारे पास है 2 रियल रूट्स।
जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले हमारे पास रूट्स वाला, थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करते हैं पहले, तो इसको हम लोग थोड़ा ओपन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग ओपन करेंगे तो मैं एक साइड से बनाते चलता हूँ। x प्लस वन का होल स्क्वायर, इट मींस x स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स एंड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो टू एक्स एंड टू एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मीन्स x स्क्वायर, इसको वन का स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा x माइनस वन एंड x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। फिर से देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, माइनस का टू एक्स माइनस का टू, टू एक्स एंड टू एक्स कैंसिल आउट, वन में से टू चला जाएगा तो माइनस का वन, तो एक हमारे पास जीरो हो जाएगा वन, इधर x इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि दो रियल रूट्स हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, टू रियल रूट्स इज राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सॉल्यूशन ऑफ अ सेट, क्या कह रहा है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू, कंप्लीटली ब्लैक है, ऑप्शन दिए हमारे पास, पहला ऑप्शन है x such that minus 1 less than x less than and equal to 4 and x belongs to real number, and option number b x such that minus 1 less than and equal to x and less than 5 and x belongs to real number, and option number c x such that minus 1 and less than x less than and equal to 5 minus 1 greater than x है, तो ये कह रहे हैं कि x belongs to real number, and option number d x is that minus 1 less than and equal to x and less than and equal to 5 and x belongs to real number। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देखो जब भी इस तरीके से यहाँ पर ऐसा कुछ मिले, यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट ब्लैक आउट है, तो मतलब हमारे पास है कि वन इंक्लूडेड है, तो इसका राइट जो सोल्यूशन बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कि वन क्या है हमारा, इंक्लूडेड है, तो माइनस वन इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड है तो हमारे पास क्या लगेगा, इक्वल का साइन लग जाएगा इसके साथ में, और क्या है, फाइव हमारा इंक्लूडेड नहीं है, तो एक्स एंड लेस देन बेटा क्या फाइव। तो बच्चा वाली ये कहीं आंसर दिख रहा है क्या हमारे पास, माइनस वन इंक्लूडेड, तो हमारा बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
a cone is surmounted on flat side of a coin. The cone has same radius as the coin. The surface area of a solid formed equal to the option F, base area of a coin plus curved surface area of a coin, and we have option number B, base area of coin plus CSA of a coin plus CSA of a cone, and option number C, total surface area of a coin plus TSA of a cone. यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, कौन है TSA of a cone, and ये हमारे पास coin, TSA of a coin, TSA of a cone, TSA of a coin, TSA. TSA of a cone, and the D1, TSA of a cone, base area of a coin, CSA of a coin, base area of a coin, CSA of a coin, CSA of a cone, TSA of a cone, TSA of a coin, total surface area of a cone. देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट हम लोग बना लेंगे, ठीक है? इसको हटाता हूँ. क्वेश्चन में बोल दिया है, कह रहे कि कॉइन कुछ ऐसा होता है, कॉइन सिर्फ दिख नहीं रहा बट ऐसा है, ठीक है ना? कह रहे कॉइन सरमाउंटेड ऑन द फ्लैट साइड ऑफ अ कोन हैज द सेम रेडियस. कह रहे एक कोन बना हुआ है, इससे सरमाउंटेड है, यानी कुछ ऐसा. अरे कोन बना हुआ है इस तरीके से, इसके ऊपर सरमाउंटेड है, ठीक है ना? देखो दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, यानी कि ये वाला जो रेडियस है ये जिसका इसके लिए है और यही इसके लिए है, दोनों के लिए रेडियस सेम है. क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया, द फ्लैट साइड ऑफ कोन सेम रेडियस एज द कॉइन, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म इक्वल टू. अगर सरफेस एरिया क्या बनेगा, तो सिर्फ हमसे सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करें तो जो कॉइन है वो कॉइन बिहेव करेगा किसी सिलेंडर की तरह, किसके जैसा, किसी सिलेंडर की तरह, किसके जैसा बिहेव करेगा, किसी सिलेंडर की जैसा बिहेव करेगा.
और जो हमारा कोन है ये तो कोन ही रहेगा। जब ये सिलेंडर की जैसा बिहेव करेगा क्वेश्चन पे, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा इसका आंसर। तो इस कॉइन की अगर बात करेंगे तो कॉइन का जो हमारा होगा ये बेस एरिया दोनों के लिए इंक्लूडेड ही होगा, तो देखो सबसे पहले बेस एरिया ऑफ अ कॉइन, तो ऐसा मत समझते हैं, पहले एक बार इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इस कोन की, तो कोन का क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम बात करो कोन के टोटल एरिया की, तो कोन का जो टोटल एरिया, इसमें तो ये ऊपर वाले पार्ट में रखा हुआ है। देखो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे, एक सिलेंडर बना लेते हैं जैसे आप लोगों को समझ में आए, इस सिलेंडर का ये वाला हमारे पास एरिया तो है, इसका एक बेस एरिया हो गया, ठीक है ना। तो एक बेस एरिया हो गया, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इसकी हाइट भी है, तो एक हमारे पास हाइट है, तो हाइट है तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर। और इसके ऊपर यहां पर कहीं पर हमारा क्या लगा हुआ है, कोन सा माउंटेड है, तो इस कोन का भी कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो इस सिलेंडर को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किस चीज से, एज अ कॉइन से, तो इसका हो जाएगा कॉइन और इसका भी हो जाएगा कॉइन और ये हो जाएगा कोन का। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी, बी हमारा मैच कर रहा है, तो बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक सर्कल है जिसका डायमीटर हमारे पास क्या है, तो एक सर्कल बना देते हैं, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है बट ठीक है, ए और बी, कह रहा है इसका सेंटर ओ दिया है, और कह रहा है सेंटर दिया है हमारे पास -2, 0, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास 3, -7, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग ले लेते हैं x2 and y2। जब कभी सर्कल होगा तो ये भी अपना रेडियस है और ये भी अपना रेडियस है, तो अगर दोनों रेडियस है तो हमारे पास रेशियो क्या होगा, सेम रेशियो बनेगा, तो कभी सेम रेशियो बनेगा, तो ये हो गया x1 एंड ये हो गया y1 सॉरी ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया x2 और y2। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x = फार्मूला होता है x1 + x2 / 2 एंड y = y1 + y2 / 2।
तो हमारे पास x का कोऑर्डिनेट है x1 का 3 एंड x2 हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 2 और x के लिए क्या दिया है -2 तो -4 -3 इज इक्वल टू x2 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x2 की वैल्यू -7 ये मिल गई हमारे पास x2 की वैल्यू। जब हम y को सॉल्व करेंगे तो y के लिए क्या दिया है 0 y1 दिया है हमारे पास -7 और y2 हमें निकालना है तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2 ये y2 तो हमारे पास सिंपल सा फंडा कितना आ रहा है एक बार मैं देख लेता हूं कुछ गलती तो नहीं है क्वेश्चन को मैं फिर से रीड कर लेता हूं ये 2,2 दिया हुआ है सॉरी मैंने यहां गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन पे यहाँ पर हमारे पास 2 भी दिया हुआ है तो अगर ये 2 भी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 तो 2 2 4 प्लस 7 इज इक्वल टू वाई 2 तो वाई 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 तो माइनस 7 और प्लस 11 3, -7 -7 प्लस y2 2 तो 2 2 4 प्लस 7 11 शायद ऑप्शन लिखने में गलती हो गई हो चेक कर लेता हूँ फिर यहाँ प्लस का 11 है ना तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन है कह रहा है कि इन ए गिवन फिगर ये हमारे पास कह रहा है कि टेंजेंट है टू द सर्कल ऑफ अ पॉइंट ए ए पे कह रहा है कि पीवी की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है कह रहा है ये 16 सेंटीमीटर है आगे क्वेश्चन में गिवन है कह रहा है बीसी हमारे पास कितना गिवन है बीसी हमारे पास गिवन है 9 सेंटीमीटर हमें क्या निकालना है पीए की वैल्यू निकालना है
तो हमें यहाँ पर एक चीज पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो PA इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB इंटू मल्टीप्लाइड बाई PC। तो PB की वैल्यू क्या गिवन है 16 सेंटीमीटर और PC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 16 प्लस 9 यानी 25, तो हो जाएगा 16 इंटू 25। इसको वैसा लिख सकते हैं 4 इंटू 4 और 5 इंटू 5 मीन्स 4 इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो PA स्क्वायर। तो PA की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी नंबर, हमारा राइट ऑप्शन बचेगा। दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, इनको भी कर लेते हैं तो सेक्शन ए हमारा खत्म हो जाएगा। चलो मैं एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर कल देखेंगे जो छूटेगा। तो द स्लोप ऑफ साइड बी सी ऑफ रेक्टेंगल लिखा हुआ है ए बी सी डी इज 2/3, देन द स्लोप ऑफ द साइड AB is, we have option A minus 3, B minus 2/3 and C 2/3 and D 3/2. आखिरी क्वेश्चन है, अच्छे समझते हैं। क्वेश्चन में दिया कि एक रेक्टेंगल, पहले सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो रेक्टेंगल है ए बी एंड सी एंड डी। रेक्टेंगल क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि हम लोग अगर बात करें तो यहां पर जो ए बी हो जाएगा वो परपेंडिकुलर है हमारे पास ए डी, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, कह रहा बी सी दिया हुआ है और ए बी सी डी, और निकालना है स्लोप ऑफ ए बी निकालना है। मीन्स क्वेश्चन पे हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो हमें दिया हुआ है कि हमारे पास क्या दिया है कि एक लाइन है ए बी और एक लाइन है बी सी, अगर ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ BC into multiplied by slope of AB is equal to minus 1। यानी कि अगर दो लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का स्लोप नेगेटिव 1 होता है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्लोप ऑफ BC कितना गिवन है कि 2/3 है, और हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ AB निकालना है, ये दिया है माइनस का 1। तो स्लोप ऑफ AB हो जाएगा
माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मींस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा राइट आंसर है। तो माइनस का 3 बाय 2, तो यहां पर आंसर देना चाहिए इसको माइनस का 3 बाय 2 दिया होगा, हो सकता है हमने लिखने में गलती की, तो यही हमारा राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। सेक्शन ए के मैंने आपको 2 क्वेश्चन नहीं बताए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो कल इसका नेक्स्ट सेशन करेंगे तो 2 क्वेश्चन उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोग इस नंबर पे कोई भी क्वेरी आए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं ये वीडियो यूट्यूब में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक में भी मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। Thank you for watching.